नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय कार डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बुधवार को पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर पूजा और नमाज जैसे धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी है। जी हां, पुलिस ने कहा है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर पूजा नमाज समेत किसी भी धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं होगी। और आदेश के मुताबिक आपको बताऊं, जरूरी होने पर पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर या फिर डिप्यूटी कमिश्नर से इजाजत लेनी होगी। सीआरपीसी की धारा 144 का ये ऑर्डर 20 जुलाई से लागू हुआ है और 3 अगस्त तक 15 दिन के लिए प्रभावी रहेगा। एडिशनल डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर हृदेश कठेरिया की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। पुलिस ने बताया है कि आने वाले दिनों में मुहर्रम, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता, किसानों के प्रदर्शन और प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। ऑर्डर में क्या कहा गया है ये आपको बताते हैं। सीपी, एडिशनल सीपी या डीसीपी से पूर्व आदेश के बिना सार्वजनिक स्थान पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं या जुलूस आदि नहीं निकाल सकते हैं। सरकार की ओर से परमिशन मिले प्रोग्राम के लिए इस नियम में ढील दी जा सकती है। सरकारी दफ्तरों के 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी पुलिस से परमिशन लेनी होगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नमाज, पूजा या किसी भी धार्मिक आयोजन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यदि ऐसा करना जरूरी हो तो संबंधित अधिकारी से पहले आपको आदेश लेना होगा। पुलिस ने ये भी कहा है कि धार्मिक गतिविधि किसी भी विवादित जगह या किसी ऐसे स्थान पर नहीं होगी जहां पहले से नहीं होती रही है। पुलिस ने कहा कि आगामी मुहर्रम एक खेल आयोजन जिसमें विदेशी देशों के प्रतिभागी शामिल होंगे, किसानों के विरोध प्रदर्शन और इस अवधि के दौरान जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर प्रतिबंध लागू किया गया है। अतिरिक्त सीपी या संबंधित डीसीपी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी सार्वजनिक स्थान पर सभा नहीं करेगा या फिर जुलूस नहीं निकालेगा या 5 से ज्यादा लोगों वाली सभा का हिस्सा नहीं बनेगा। इस नियम को कार्यक्रमों के लिए लचीला बनाया जा सकता है। सरकार द्वारा अनुमति दी गई है। इसमें कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों के ऊपर या 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और अन्य स्थानों पर फोटोग्राफी या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ऐसे मानव रहित हवाई वाहनों का उपयोग करने के लिए भी पुलिस की अनुमति की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नमाज या पूजा या जुलूस या कोई अन्य धार्मिक गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित या फिर बैन रहेगी। अपरिहार्य स्थितियों में ऐसी गतिविधियों के आयोजन की अनुमति पुलिस आयुक्त या फिर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या डिप्टी से लेनी होगी। पुलिस ने ये भी कहा है कि किसी भी विवादास्पद स्थान पर जहां प्रार्थना करने की परंपरा नहीं रही है वहां धार्मिक गतिविधियां आयोजित नहीं की जाएंगी और किसी को भी दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। पुलिस ने आदेश में कहा, कोई भी अन्य धर्मों के धार्मिक ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थलों की दीवारों पर कोई धार्मिक पोस्टर, बैनर, झंडे नहीं होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।